बहुत सारे लोगों को पेशाब की समस्या रहती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी आधे घंटे बाद, कभी एक घंटे बाद पेशाब जाते हैं, कभी कभी पेशाब बहुत खुलकर आता है, कभी कभी पेशाब थोड़ी मात्रा में आता है, लेकिन यह समस्या बहुत दुखदाई हो जाती है। खासकर बुजुर्ग व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसे में दवा क्या करनी चाहिए, आज मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर रंग चिकित्सा के द्वारा इसका उपचार बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की समस्या है तो पूरे दिन पानी की मात्रा ज्यादा रखें, लेकिन सूरज ढलने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। और जब भी आप पेशाब के लिए जाते हैं तो बैठकर पेशाब करें, उससे क्या होगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा खाली हो जाएगा, तो इससे भी आपको इस रोग में आराम आएगा। इसके अलावा आपको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में दो स्केच पेन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको एक येलो कलर की पीला रंग और दूसरा स्काई ब्लू। आपको करना सिर्फ ये है, जो आपने स्काई ब्लू कलर है ये आपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में, जैसे मैंने यहां पर ये लगाया हुआ है, इस प्रकार ट्रायंगल सा बना लेंगे, राइट। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अनुसार ये हमारी दो नंबर की फिंगर होती है, जिसको वायु की बात करते हैं, तो यहां पर मैंने वायु के प्रेशर को कम किया है, यानी कि पेशाब का प्रेशर कम आएगा। और जो पीला स्केच पेन है आपको अपने राइट हैंड के एक इंडेक्स फिंगर, जिसको जल तत्व की उंगली बोला जाता है, चार नंबर, यहां पर जैसे मैंने लगाया है इस तरीके, यहां पर ऐसे लगा लीजिएगा। और दूसरा रिंग फिंगर, जिसे हम पांच नंबर की उंगली बोल लेते हैं पृथ्वी तत्व की, यहां पर मैंने पीला कलर लगाया है। तो आपने सिंपल इतना करना है, ये ट्रीटमेंट आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे, राइट। तो ये आपने लगाना है रोज, इससे धीरे धीरे पेशाब की समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा और आप परेशानी से भी बचते चले जाएंगे। आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस परेशानी से पीड़ित है, उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली और भी इसी तरह की वीडियोज आपको देखने को मिले। आप हमेशा निरोगी रहें, मेरी यही कामना है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।